सेंसिटिव मेटल का मतलब इज सेंसिटिव टू लाइट, कि जब भी लाइट इस पे गिरेगी ये कुछ ना कुछ हरकत करेगा। अब हरकत तो मेटल की और कुछ तो क्या ही होगी, ऐसा वो छिजौरा तो है नहीं, तो वो बस एक इलेक्ट्रॉन से एमिट कर देगा। ये फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स इज लाइक आधार कार्ड ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका आदित्य भैया एंड दिस इज आदित्य क्लासेस। तो आज इन रैपिड प्रेप सीरीज जेईई नीट एसेंशियल्स हम करेंगे क्लास 11th का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम उन चैप्टर्स में से है जिससे एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है हर बार इन जेईई मेंस एग्जाम, कभी कभी तो दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब इसके अंदर से थ्योरी तो उतनी ही जरूरी है जितना इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, तो आज सारी चीजों को करेंगे बिना टाइम पास किए, बहुत जल्दी जल्दी से, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। चलो जी, सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आती है वो है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एक एटम, और जो सबसे पहले एटम डिस्कवर किया था डाल्टन ने, उसने कहा था कि एटम इंडिविजिबल होता है, मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे हमारी साइंस आगे बढ़ती गई तो उसके अंदर तीन हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी सबसे पहले जे.जे. थॉमसन ने, उसके आगे फिर रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम की एक चीज को डिस्कवर किया, एंड लास्टली न्यूट्रॉन किया था जे चैडविक ने डिस्कवर। ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स यहाँ पर डिस्कवर हुए थे। इसके बाद इनको और जब आगे साइंस बढ़ी तो इनके अंदर भी और पार्टिकल्स मिले, जिनको और छोटे जो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है, म्यूऑन्स आते हैं, एंटी म्यूऑन्स आते हैं, वो सब इनके अंदर आते हैं। तो अभी के लिए वो सब चीजें नहीं पढ़ी। नेक्स्ट चीज इसके अंदर आती है थॉमसन का। तो थॉमसन ने सीधा सीधा कहा था कि एक एटम होता है ऐसा जिसके अंदर बीच बीच में जिसके अंदर पूरा का पूरा एक पॉजिटिव स्फीयर होता है और बीच बीच में ऐसे नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होते हैं, जस्ट लाइक ए प्लम पुडिंग और अ वाटरमेलन। ये पूरा का पूरा जो रेड वाला हिस्सा वाटरमेलन का, वो पॉजिटिव चार्ज, बीच बीच में ऐसे नेगेटिव चार्ज लगे हुए हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा बेसिक थ्योरी होगी। अब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम की एक चीज को बता दिया था तो सब तो उस टाइम मानने लगे कि हाँ सही है थ्योरी, सही है थ्योरी। बट उसके बाद रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक अपना पूरा एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने एक यहाँ पर गोल्ड फॉइल रखी, गोल्ड फॉइल के चारों ओर उन्होंने लगा दी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिसके ऊपर चार्ज जब भी टकराएगा तो लाइट जलेगी। जहां से अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने इस गोल्ड फॉइल के ऊपर स्कैटर किए और फिर उन्हें लाइट मिली। लाइट उन्हें मिली इस पोर्शन में बहुत ज्यादा, जो कि बिल्कुल सामने था, जहां पर बिल्कुल माइनर माइनर से डिफ्लेक्शंस हुई या फिर बिल्कुल सीधी गई लाइट। थोड़ी कम डिफ्लेक्शन मिली फॉर सम ग्रेटर एंगल्स, मतलब थोड़े ऐसे बड़े से एंगल, मतलब लेस देन 90 डिग्री, एंड ज्यादा और कम डिफ्लेक्शन मिली फॉर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। आप लगाओ तो अप्रॉक्सीमेटली 80% लाइट वॉज जनरेटेड फॉर एंगल्स लेस देन 10 डिग्रीज। बाकी बची हुई 5-12% ऑफ लाइट जो उन्हें मिली थी वो थी फॉर एंगल लेस देन 90 डिग्रीज बट ग्रेटर देन 10 डिग्री। और जो बचा कुचा हिस्सा बच गया, जो 7-8% का हिस्सा बच गया, वो वाली लाइट मिली थी फ्रॉम द एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री ऑब्वियसली। और अप्रॉक्सीमेटली 12,000 में से एक जो अल्फा पार्टिकल था With that was rebounded by 180 degree, exactly जिस रास्ते पे गया उसी रास्ते पे वो वापसी चला गया। Back to the source. इस जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि सिंस अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल्स आर HE2 पॉजिटिव एंड वो स्कैटर हो रहे हैं, वो दूर दूर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल करता है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक एटम के अंदर एक पॉजिटिव चीज भी होनी चाहिए, एंड सिंस 80% आर डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल लेस देन 10 डिग्री, इसका मतलब कि जो थॉमसन ने कहा था कि पूरे के पूरे में पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ये लेस देन 10 डिग्री से डिफ्लेक्शन हो रही है, मतलब वो तो सीधा सीधा जा रहा है बिना डिफ्लेक्शन के, मतलब ज्यादातर हिस्सा तो खाली पड़ा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा हो गया हीलियम 2 पॉजिटिव के मुकाबले, तो इतनी अट्रैक्शन तो वो करने से रहा, रिपल्शन का केस बचता है खाली, और रिपल्शन के अंदर ये लेस देन 10 डिग्री वाला है, तो लेस देन 10 डिग्री पे रिपल्शन तो मतलब बहुत कम है। इसका मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज एक एटम के अंदर बचा वो बहुत छोटे से हिस्से में है, और उस छोटे से हिस्से को रदरफोर्ड ने नाम दिया था एक न्यूक्लियस, एंड रदरफोर्ड सेड कि न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एंड द मास of the atom is situated.
सारा का सारा एक एटम का मास एंड द पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, जिसका उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। ये उनका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जिससे उन्होंने पॉजिटिव चार्ज, जिसका नाम आगे चल के प्रोटोन बड़ा था, उसकी खोज करी। ये दो सबसे बेसिक एटमिक मॉडल्स थे जो आपने क्लास 9th में भी पढ़े थे एंड देन क्लास 11th के अंदर करे। तो ये इतना इतना बेसिक चार्ज उन्होंने बता दिया कि प्रोटोन नाम की चीज होती है। बट इसके आगे एक ड्रॉबैक इनका आया था कि अगर उस टाइम पर जो थ्योरी चलती थी वो क्लासिकल थी, तो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन की दो कंडीशंस होती हैं कि या तो कोई पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करे या फिर वेलोसिटी चेंज करे। डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज करने पर एक्सेलरेशन होती है। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, मतलब बाहर फेंकेगा। अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, और इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस ये हो गया और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, मतलब सर्कुलर पाथ पे डायरेक्शन पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो जब डायरेक्शन चेंज होगी हर एक पॉइंट पर उस टाइम पर ये एक्सेलरेट करेगा, और जब एक्सेलरेशन होगी तो उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन के बाद क्या होगा, क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, मतलब बाहर फेंकेगा। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को बाहर फेंक रहा है कंटिन्यूसली, तो बाहर फेंकते फेंकते वो क्या करेगा, धीरे धीरे एनर्जी लॉस करेगा, इवेंचुअली वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। दैट मींस कि ये जो एटम है वो कोलैप्स हो गया, और कोलैप्स होने का मतलब वो पूरा का पूरा बिखर गया। इसके हिसाब से सारे के सारे एटम अनस्टेबल हो गए। अनस्टेबल का मतलब हम भी एटम से मिलकर बने, हमारे आसपास जितनी भी चीजें, हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है, वो सारी चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। तो इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आया था नील्स बोर आगे। नील्स बोर ने एक थ्योरी दी थी अपने, जिसके अंदर उन्होंने जो 9th क्लास के हिसाब से था बेसिक उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्टेन स्पेशलाइज्ड ऑर्बिट, जिसको उन्होंने डिस्क्रीट ऑर्बिट नाम दिया था, कि डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और उसके अंदर वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते। ये उन्होंने क्लास 9th के हिसाब से कहा था। बट अब आप आगे क्लास 11th में, तो उन्होंने बहुत कुछ कहा था। तो दो चीज जिससे बोर ने अपनी थ्योरी को बिल्ड करा, वो था पहला वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड दूसरा है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कि जो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब वो वाली रेडिएशन विच हैज दो कंपोनेंट, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। और EM waves की एक बात, खास बात ये है कि if मैं ये तीन एक्सिस ड्रॉ करूं, x, y और z एक्सिस, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर x एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है एंड y एक्सिस पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, तो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज इन Z एक्सिस। तो ये EM waves होती हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर वेरिंग इन परपेंडिकुलर प्लेन्स, बट इन दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होता है, जितना इसका एम्पलीट्यूड उतना ही उसका एम्पलीट्यूड होता है। ये ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है। तो अकॉर्डिंग टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दे ट्रेवल इन space in all the directions ऐसे perpendicular और wave के form में travel करती है। ऐसे कि electric field एक component एक axis पर, magnetic field दूसरी axis पर perpendicularly, और इन दोनों के perpendicular होता है direction of motion, कि एक x axis पे गया, एक y axis पे गया और एक z axis पे चला गया। अब ये order बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे, मैग्नेटिक फील्ड वाई पर और वो जेड एक्सिस पर। बिकॉज अगर आप चेंज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पर करो और मैग्नेटिक फील्ड को एक्स एक्सिस पर करो, तो डायरेक्शन प्रोपोगेशन माइनस जेड एक्सिस पे हो जाएगी, वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये आता है ई क्रॉस बी से, डायरेक्शन ऑफ वेव। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स के अंदर, जो कि इस केस में काफी जरूरी होता है। अगर इधर चेंज करो तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसका आंसर मान लो, अगर ए वेक्टर आ रहा है तो अगर मैं बी क्रॉस ई करूंगा तो उसका आंसर आएगा माइनस ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विल चेंज। अगर एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड करी, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड करी, तो डायरेक्शन माइनस जेड एक्सिस हो जाएगी। तो ये इसका बेसिक चीज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल एज अ वेव,
पहली चीज, एंड देन पार्टिकल नेचर आया था। पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, दे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी या फिर स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको आगे चल के नाम दिया गया था फोटोन। कि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं फोटोन, वो सारी की सारी एनर्जी और मोमेंटम कैरी करते हैं एक वेव का। तो ये दो चीजें थी जिसके आगे चलकर बोर की थ्योरी बनी थी। ठीक, इसके अंदर दो चीजें और आई थी, एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम प्लूरल हो गया, स्पेक्ट्रम इज अ सीरीज ऑफ वेवलेंथ। तो एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे आया था, कि एमिशन इज जब एक एटम एनर्जी को बाहर फेंके, एंड अब्सॉर्प्शन है जब एक एटम एनर्जी को अब्सॉर्ब करे। तो इसमें क्या हुआ था कि हमने एक रेडिएशन एक एटम पर थ्रो करी, एंड देन बाद में उसका रिजल्ट देखा। ठीक, एंड देन इससे थोड़ी देर बाद एक वेव निकली और फिर उस वेव को नोट किया गया। तो मान लो कि हमने क्या करा, इनिशियली मैंने ये वाली वेव फेंकी थी कि ये एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा उसका ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, ऐसे कर करके मैंने एक वेव थ्रो करी एट एनी चार्ज्ड एट एनी एटम। ये मैंने एक वेव थ्रो करी, बस बहुत ज्यादा हो गया, ये मैंने एक वेव थ्रो करी एट एनी एटम। ठीक, ये वेव मैंने इस एटम पर डाली और उससे आगे जो मेरे को रिजल्ट मिला, मतलब जो ही मेरी वेव इसमें, अगर मैं मान लो कि एक बंदा खड़ा है, ठीक है, इस जगह पर एक बंदा खड़ा है और मैंने आगे पानी फेंका, तो पानी कहाँ जाएगा, उसके साइड साइड से निकल जाएगा, जो उसने रोक दिया उतना ही तो पीछे नहीं पहुंचेगा, बाकी सारा तो पहुंच जाएगा। सेम जो ये एटम रोक लेगा, इस वेव का जो हिस्सा ये एटम रोक लेगा, वो आगे नहीं जाएगा, बाकी सारा चला जाएगा। तो इफ अगर मेरे को रिजल्ट के अंदर मेरे को ये पूरी वेव मिले, ये पूरा का पूरा हिस्सा मिले एक्सेप्ट दिस, ये वाला हिस्सा मेरे को ना मिले इस वेव के अंदर, तो इतना हिस्सा इसने अब्सॉर्ब कर लिया। तो ये वाला स्पेक्ट्रम जहां पर एक एटम इज अब्सॉर्बिंग द कंपोनेंट्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये वाला हुआ अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब ये जिस टाइम पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इस टाइम पर हमें इसका रिजल्ट तो ऑब्वियसली नहीं एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा, और जब रिजल्ट ही एक्सपेक्टेड नहीं है तो हमें इसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं पता थी। तो सिर्फ इतना देखा गया कि भाई एक रेडिएशन यहाँ पर डाली और उस रेडिएशन के अंदर ये वाला रिजल्ट हमारे पास आया कि एक जो हिस्सा था उसका वो खाली हो चुका है। ठीक, अच्छा यहाँ से उठ गया ये, एक सेकेंड। अब अरे ये वाली नहीं वाली चाहिए, अब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, तो ये वाला हिस्सा था हमारे पास। अब मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी देर इसको ऑब्जर्व किया और थोड़ी देर बाद क्या दिखा कि इस पूरे स्पेक्ट्रम में से जो हमारे पास इधर वाला हिस्सा, इधर जो अब्सॉर्ब हो गया था, खाली वो हिस्सा बचा और बाकी सारे हो गए गायब। पहले इतनी रेडिएशन थी, वो एटम पे थ्रो करी, इसने एक हिस्सा अब्सॉर्ब कर लिया, उसका बाकी सारा आगे चला गया। दिस इज अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देन थोड़ी देर बाद इस एटम ने अपनी जो उसने हिस्सा अब्सॉर्ब किया था वो वापसी की वापसी भेज दिया और ये वाला हिस्सा हमें मिल गया, एंड दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम, जो हिस्सा उस एटम ने एमिट कर दिया। ये दो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किए गए थे। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन यहां से डेवलप हुआ था। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में क्या हुआ, ये तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, म्यू बार इज वेव नंबर इज 1 बाय वेवलेंथ इज 109677। दिस इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट,
एंड एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, दिस फॉर्मूला इज बेसिकली फॉर द एमिशन स्पेक्ट्रम, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नहीं, ये एमिशन स्पेक्ट्रम का है। ये एमिशन स्पेक्ट्रम का तब है जब हमारे पास गिवन है कि एक लाइट है वो ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल्स तक गिर रही है, ठीक। तो कहाँ से आई है और कहाँ पर गई, फ्रॉम एन टू टू एन वन, ये वाला काम हो रहा है, ठीक। अभी इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया कि भाई एटम के अंदर कई सारे लेवल्स होते हैं, जैसे ये सेंटर पर न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पर घूम रहा है, इनको लेवल्स कहा गया, जो कि हमने नाइन्थ क्लास में पढ़े थे KLMN शेल्स होते हैं। तो ये तीन शेल हो गए। अब मान लो कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये सेंटर पर न्यूक्लियस हो गया, दो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक। अब मैंने एक लाइट इस पर थ्रो करी, लाइट इसने अब्सॉर्ब करी और ये वाले इलेक्ट्रॉन पे लाइट आ गई और ये एक्साइट होकर चला गया इस वाले लेवल पर, यहां पर पहुंच गया ये उठ के। तो इसने इतना हिस्सा अब्सॉर्ब किया था, ये अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में चला गया, बट ये अपनी जगह छोड़कर गया है और ये एक हाई एनर्जी स्टेट पे चला गया। अगर कहीं पर भी कोई भी एक पार्टिकल हाई एनर्जी पे होता है तो वो अनस्टेबल होता है, ये ऊपर जाकर अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल हो गया वापसी अपनी जगह पर आना चाहेगा तो थोड़ी देर बाद ये वापसी अपनी जगह पर आ जाएगा और जितनी ही इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करी थी ऊपर जाने के लिए उतनी ही वापसी छोड़ देगा और वहां से बन जाता है एक एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये वाले स्पेक्ट्रा थे जो हमने यहाँ पर अब स्टडी करने हैं। तो हाइड्रोजन के लिए जो जो स्पेक्ट्रा बिल्ड हुआ था वो थे लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफन। अब इनमें से सबसे पहले बामर डिस्कवर हुआ था जस्ट बिकॉज कि ये जो लाई करता है ये विजिबल रीजन के अंदर लाई करता है, इसे सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। इसके अलावा अगर इनको देखो तो इनमें क्या होता है, ये N2 से N1 तक है, तो अगर N1 फर्स्ट ऑर्बिट है, अगर N1 इज फर्स्ट ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर से किसी भी लेवल से गिर रहा है बट वो आगे फर्स्ट ऑर्बिट पे गिर रहा है तो वो लाइमन सीरीज होगी। सिमिलरली अगर N1 2 हुआ तो वो बामर सीरीज है, N1 3 हुआ तो वो पास्चन है, N1 4 हुआ तो ब्रैकेट है और N1 5 हुआ तो वो पीफन सीरीज होती है। इतना इतना हमने पढ़ा। तो बेसिक हुआ क्या कि अगर मैं कुछ लाइंस कंसिडर करूँ कि मेरे पास एक ये लेवल हो गया फर्स्ट लेवल, ये फर्स्ट लेवल एंड देन ये एक दूसरा लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स्थ एंड देन आगे चलता चला जाता है ये हिस्सा। तो अब इसके अंदर क्या है, अब ये वाला लेवल हो गया मेरा फर्स्ट लेवल, देन सेकंड लेवल, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये ऊपर चला जाएगा इन्फिनिटी तक। अब जहां से एक इलेक्ट्रॉन गिरेगा नीचे की तरफ वो वाला हमारे पास आ जाएगा हमारा एक सिंगल लेवल। तो अब अगर मेरे पास एक कहीं से भी किसी भी स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरे पास पहली ऑर्बिट पे गिर रहा है, मजे नहीं आए छोड़ो, अगर पहली ऑर्बिट पे गिर रहा है किसी भी एक स्टेट से आकर वो पहली ऑर्बिट पे गिर रहा है तो ये वाली सीरीज बनती है लाइमन सीरीज। अगर यहाँ पर आकर सेकंड स्टेट पे गिर रहा है वो, दिस इज बामर सीरीज। ऐसे ही अगर थर्ड स्टेट पर आ रहा है फ्रॉम एनी सीरीज, ऊपर कहीं से भी है आ रहा है, फर्स्ट पर लाइमन, सेकंड पे बामर, थर्ड पे पास्चन, ऐसी फोर्थ पे आया तो ब्रैकेट एंड फिफ्थ पे आया तो पीफन, ये वाली सीरीज बनती है। सेम फॉर्मूला सबके लिए, बस N1 की जगह पर वैल्यू चेंज करनी है, उससे हमारे पास वेव नंबर एंड हेंस वेवलेंथ आ जाएगी कि कौन सी एमिट हो रही है, यहाँ से एमिशन आएगा। अब गैप देखो तो जो मैंने गैप बनाया उसी के हिसाब से गैप होता है, फर्स्ट और सेकंड सीरीज के बीच में बहुत गैप होता है, आगे जाते जाते हर एक सीरीज के बीच का गैप कम होता चला जाता है। तो जितना ज्यादा गैप उतनी ज्यादा इसकी एनर्जी होगी। तो एनर्जी ऑफ द एमिटेड वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैप जो हमारे पास यहाँ पर हमें मिल रहा है। इस वजह से जनरली जो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो सेकेंड से
फर्स्ट के अंदर आते आते होती है, सेकंड से जब फर्स्ट पर एक इलेक्ट्रॉन आता है उस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट होती है जनरली। इसके आगे फिर अब जब इतनी सारी चीजें बोर ने पढ़ ली तो फिर बोर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। बोर ने अपने मॉडल में पहली बात तो यही कही जो डिस्क्रीट ऑर्बिट वाली बात आपने 9th क्लास में पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्टेन स्पेशलाइज्ड ऑर्बिट जिसको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा जाता है एंड बाय रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। सेकंड चीज जो अब इसने 11th में गई थी 9th में नहीं गई थी कि MVR व्हिच इज एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन अगर किसी भी चीज की हो रही है तो मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब होता है वो हमेशा इंटीग्रल नंबर्स के अंदर वेरी करेगा, तो इसका मतलब वेरी इन इंटीग्रल नंबर, मतलब 1, 2, 3, 4 में जाएगा वो 1.5, 1.3, 2.7 ऐसे में वेरी नहीं करेगा, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल जाएगा। और इंटीग्रल मल्टीपल किसका, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड एंड इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई वेयर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट और एच की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। तीसरी चीज जो इसने कही थी कि वी न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड लाइट इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच वेयर डेल्टा ई इज द एनर्जी गैप बिटवीन द लेवल्स एंड एच इज अगेन द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। बिकॉज पार्टिकल नेचर जो अभी हमने करा था कि एक लाइट होती है जिसके अंदर फोटॉन्स होते हैं और फोटोन की जो एनर्जी होती है इज गिवन बाय एच न्यू, एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो एक लाइट कोई भी लाइट जो ट्रेवल कर रही है उसकी विद न्यू फ्रीक्वेंसी तो उसकी जो टोटल एनर्जी आती है वो आती है ई इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, ये एक फोटोन की टोटल एनर्जी होती है एच इंटू न्यू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यही यहाँ पर आया के न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड लाइट, कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया तो वो एक वेव तो एमिट करेगा और उस वेव की जो वेवलेंथ है वो इस फॉर्मूले से आई और उसकी फ्रीक्वेंसी यहां से जाएगी डेल्टा ए बाय एच एनर्जी गैप डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बोर की थ्योरी थी। ठीक, आगे अगर इस थ्योरी को, अब थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या कहा कि भाई ये वाली जो थ्योरी चल रही है जो बोर ने पूरी थ्योरी थी इसको इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए रखा था। बिकॉज जो स्टडी हुई है रदरफोर्ड ने तो गोल्ड फॉइल को लेकर स्टडी करी थी, उसने एक जनरलाइज चीज दे दी। इसके बाद बोर ने जितनी स्टडी करी जो इसने स्पेक्ट्रा क्रिएट करा एमिशन और अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये सब कुछ हाइड्रोजन एटम को लेकर स्टडी किया गया था। तो जो भी थ्योरी बोर की बनी है यहाँ पर ये सब ये इन्होंने फॉर्म करी थी जस्ट फॉर द हाइड्रोजन एटम। और इसको थोड़ा जनरलाइज करें तो वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए चल रहा था और हाइड्रोजन लाइक एटम्स हो गए जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, तो हाइड्रोजन HE पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव और Be3 पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स है जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो पूरी थ्योरी वैलिड है। तो इस केस में जब ये एमिशन हो रहा है फॉर हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इतना आ गया, फ्रीक्वेंसी इतनी आ गई, टोटल एनर्जी फॉर एन हाइड्रोजन एटम इन एनी ऑर्बिट इज 1.2.18 × 10⁻¹⁸ डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ये हाइड्रोजन एटम के लिए nth ऑर्बिट की एनर्जी एंड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 52.9 × 10⁻²⁴ पिकोमीटर, दिस इज इन जूल। इतना जूल एनर्जी nth ऑर्बिट की होती है और इतना पिकोमीटर का रेडियस होता है एक हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट का। इन्हीं दोनों फॉर्मूला को अगर हम जनरलाइज करें फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक एटम जिसके लिए z वेरी करेगा, यहाँ पर अब एटमिक इलेक्ट्रॉन एक है बट एटमिक नंबर इनका बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर z स्क्वायर और z इंट्रोड्यूस हो गया इन दोनों टर्म्स के अंदर और ये एनर्जी की ये एक्सप्रेशन बन गई 2.18 × 10⁻¹⁸ z square by n square joule and radius आ गया 52.9 n square by z picometer। एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो 52.9 ये जो वैल्यू है 52.9 picometer, इसको
ए नॉट से रिप्रेजेंट किया था है, रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, विच इज कॉल्ड बोर रेडियस। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इज 52.9 पिकोमीटर, इसको बोर रेडियस कहा जाता है। आगे क्वांटम मॉडल आता है। जहां तक जितनी भी चीज हमने पढ़ी थी वो सारी क्लासिकल थ्योरी के अंदर आती थी। क्लासिकल थ्योरी के बाद जैसे जैसे साइंस एडवांस होती गई वहां से हम आए क्वांटम थ्योरी के ऊपर, और क्वांटम थ्योरी के अंदर सबसे पहले आया ड्यूअल बिहेवियर। अभी तक हमने बोर की थ्योरी जब पढ़ी तो बोर की थ्योरी में दो चीजें आई कि भाई जो दो डेवलपमेंट थी दैट लेड टू द बोर मॉडल ऑफ एटम इज पहला वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। तो अब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में जब हमारे पास दो नेचर आ गए कि एक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो वेव की तरह भी एक्ट कर रही है और वो ही पार्टिकल की तरह भी एक्ट कर रही है, तो उससे हमारे पास दोगलापन आ गया, दोगलापन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वो समटाइम्स एक्ट करती है एज अ वेव एंड वो समटाइम्स एक्ट एज अ पार्टिकल। अब ये इसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हम किस जगह पर उस वेव को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ कुछ फेनोमेना ऐसे होते हैं लाइट के जो हमें सिर्फ वेव नेचर से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, और कुछ कुछ फेनोमेना लाइट के ऐसे होते हैं जिसको हम सिर्फ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर पोलराइजेशन की बात करूं तो पोलराइजेशन मैं सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकता हूं। पोलराइजेशन इज के लाइट के कंपोनेंट्स को कट कर दिया। जैसे आप सनग्लासेस पहनते हो तो सनग्लासेस जब हम पहनते हैं तो वो सिर्फ इसीलिए हमें लाइट कम नहीं दिखती बिकॉज वो ब्लैक शेड के होते हैं। सनग्लासेस कम इन एवरी शेड। तो वो जो सब्सटेंस होता है जो सनग्लासेस में आगे लगता है उसको पोलराइजर कहते हैं। वो क्या करता है, लाइट के कंपोनेंट्स को कट कर देता है। जैसे जनरली अगर मानो तो लाइट तीन एक्सिस पे ट्रेवल करके मान आ रही है आपके पास, कि एक लाइट जो आपके पास पहुंच रही हो तीन एक्सिस पे, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे चल के आपके पास तक आ रही है। अगर मैं एक सब्सटेंस आगे लगा दूं जो उसके दो कंपोनेंट कट कर रहा है, वाई और जेड एक्सिस वाले कंपोनेंट कट कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस आप तक पहुंच रहा है, तो वो एक्स एक्सिस वाला जो एक कंपोनेंट पहुंचा बाकी दोनों कट हो गए, वो पोलराइज्ड लाइट है। तो पोलराइजेशन को हम सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइट चल रही है उसके दो कंपोनेंट्स काट दिए, अब्सॉर्ब कर लिया उस सब्सटेंस ने और एक ही आप तक पहुंचा। ऑब्वियसली इंटेंसिटी कम हो जाएगी लाइट की, वो सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। और एक फेनोमेना जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो सिर्फ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, एक सेटअप है हमारे पास ये वाला। इधर हमने क्या करा, यहाँ पर एक फ्लोरोसेंस स्क्रीन लगाई, ये पूरा एक चैम्बर है जहाँ पर वैक्यूम क्रिएट किया गया, एक छोटी सी ओपनिंग छोड़ी फॉर द लाइट टू एंटर, जहाँ पर एक फोटो सेंसिटिव मेटल रखा गया। फोटो सेंसिटिव मेटल का मतलब इज सेंसिटिव टू लाइट, कि जब भी लाइट इस पर गिरेगी ये कुछ ना कुछ हरकत करेगा। अब हरकत तो मेटल की और कुछ तो क्या ही होगी, ऐसा वो छिजौरा तो है नहीं, तो वो बस एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा। एंड देन यहाँ से एक मैंने इसको एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट किया, एक्सटर्नल सर्किट में मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कि नेगेटिव पॉइंट मैंने उधर लगा दिया, मतलब एनोड वो हो गया, कैथोड ये वाला हो गया। ये हमारे पास ये है इलेक्ट्रॉन, पीछे फ्लोरोसेंस स्क्रीन है, और यहाँ से मैंने ये पूरा सर्किट ऐसे कनेक्ट कर दिया। ऑब्जर्वेशन क्या है कि जैसे ही लाइट इस मेटल पे गिरी, जहां पर मेरे को इधर पूरा करंट शो होने लग गया। करंट कैसे दिखा कि मैं इस पॉइंट पर, यहाँ पर अगर मैं एक एमीटर कनेक्ट करूँ तो ये एमीटर के अंदर मेरे को कुछ रीडिंग्स मिलने लग गई, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। बीच में तो कोई मैंने वायर लगाया ही नहीं, सर्किट तो पूरा कैसे होगा। सर्किट जब पूरा होता है जब चार्ज फ्लो हो। चार्ज फ्लो यहाँ पर कैसे होगा कि जैसे ही ये यहाँ पर गिरा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकले इस मेटल से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले और वो इस रास्ते पर ट्रेवल करते हुए आगे इलेक्ट्रोड तक पहुँच गए। जो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड्स तक पहुँचे, इफ मैं एमीटर यहाँ से हटा दूं, जो जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड तक पहुंचे वो तो करंट बनाएंगे, जो नहीं पहुंचा जो बीच में से निकल गया वो जाकर पीछे फ्लोरोसेंस स्क्रीन पे टकराएगा और वहां से लाइट जलेगी। तो ये दो चीजें थी जिससे हमें डिटेक्ट कर पा रहे थे कि हाँ यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल आके टकरा रहा है, ठीक है। और मेटल जब हम यहाँ तक तो पढ़ चुके भाई, जो पॉजिटिव चार्ज होता है एक एटम का वो सेंटर पे होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है तो सेंटर से तो प्रोटॉन निकल के आने से रहा, एक जो चीज निकल के आ रही वो इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है,
ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है, इसका एविडेंस क्या था कि मैंने यहाँ पर नेगेटिव ही इलेक्ट्रॉन अपना बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी पोटेंशियल को इंक्रीज करता जाऊं तो एक पॉइंट पर आके करंट कंप्लीटली स्टॉप हो गया, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, कि एक पॉइंट पर आकर यहाँ पर कंप्लीट करंट रुक गया, इलेक्ट्रॉन आई पहुंच ही नहीं पा रहे, इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया ड्यू टू रिपल्शन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पा रहे। इस पॉइंट पर आकर हमें ये कंफर्म हो गया कि भाई जैसे ही लाइट एक मेटल पे गिरती है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, विच कंस्टिट्यूट द करंट इन दिस, इन दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना, फोटो यहाँ से जो मेरे को करंट मिला दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये पूरा फेनोमेना इज फोटो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो यहाँ से पार्टिकल नेचर कन्फर्म हुआ कि अगर मैं इसको वेव के हिसाब से देखूँ तो वेव थ्योरी में एक फोटोन का जिक्र नहीं था। वेव थ्योरी क्या कह रही है कि एक लाइट एक वेव की तरह चल रही है, एंड एक वेव क्या करेगी, अगर एक वेव को एक जगह पर एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी, एक मेटल की सरफेस से बाहर निकालना है इलेक्ट्रॉन को तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी वेव उसको सप्लाई कर रही है। अगर वेव एक सर्फेस पर जाके गिरी तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी की पूरी वेव एक एनर्जी सप्लाई करेगी, तो वो पूरे हिस्से में सप्लाई करेगी बराबर, थ्रू आउट द सर्फेस वो सप्लाई करेगी, जहां पर भी वो वेव गिरी हर एक हिस्से में बराबर बराबर एनर्जी सप्लाई करेगी। और अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी जिस जगह पर फोटोन गिरा सिर्फ वो उसी जगह पर एनर्जी सप्लाई करेगा। इट्स जस्ट लाइक कि आपने पूरा बाल्टी पानी फैला दिया और दूसरा इज ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने हर जगह गिरा, तो अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पर जाके टकराया तो उस फोटोन की एनर्जी सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन तक गई, तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अगर उतनी ही एनर्जी में पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली फैला दूं तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं जा पाएगी कि वो अकेला सरफेस से बाहर निकल जाए। इसलिए ये फेनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ये सिर्फ पार्टिकल थ्योरी के बेसिस पर ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। दूसरी चीज जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर आई वो था हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजनबर्ग ने कहा था कि डेल्टा एक्स डेल्टा वी, वेयर डेल्टा एक्स is the uncertainty in position and delta v is the uncertainty in velocity. Heisenberg said कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टडी कर रहे हैं एनी एटम, तो उस मोशन के अंदर हम या तो उसकी पोजिशन को या फिर उसकी वेलोसिटी को ही एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। अगर मैं एक को मेजर कर रहा हूँ तो दूसरे को मैं एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ एरर उसके अंदर आएगा, एंड मिनिमम एरर डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज एरर या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, एंड अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, ये मिनिमम है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब इतनी अनसर्टेनिटी तो आएगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, मिनिमम इतना अनसर्टेन तो इतना एरर तो हम प्रोड्यूस करेंगे ही जब हम इन दोनों को एक साथ मेजर करेंगे फॉर एन इलेक्ट्रॉन। यहीं पर आप कंसीडर करो कि एक आदमी है, आप खड़े हो अपनी बैल्कनी में और सामने आपके घर के सामने एक पार्क है और एक आदमी ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे इस ट्रैक पे भाग रहा है। अगर वो ऐसे सीधा सीधा इस ट्रैक पे भागे जा रहा है तो आपको उसकी पोजिशन फाइंड करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ उसकी वेलोसिटी को ट्रेस कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि भाई वो सीधे रास्ते पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो किस उसी स्पीड के हिसाब से आप टाइम तो आप देख ही रहे हो, स्पीड भी आप देख रहे हो, तो आप कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उसके हिसाब से पोजीशन उसकी आ जाएगी, हमें दिक्कत नहीं आएगी, तो मेरे को बहुत कम एरर आएगा उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को ट्रेस करने में। बट इसी को अगर हम थोड़ा चेंज करें कि ये जो आदमी है ये मजे में भाग रहा है और ये ऐसे ऐसे भाग रहा है, अब उसकी पोजीशन को ट्रेस करना है वेरी डिफिकल्ट, और अगर आप उसकी पोजीशन को ध्यान से देखोगे तो फिर वेलोसिटी मेजर नहीं कर पाओगे। तो ये वाली सेम चीज अगर मैं यहाँ पर मैं पोजीशन मेजर नहीं कर पा रहा या फिर वेलोसिटी मेजर करूंगा, और अगर वेलोसिटी मेजर कर रहा हूँ तो पोजीशन नहीं देख पाऊंगा, ये वाली चीज ही यूज हुई थी यहाँ पर कि अगर मैं या तो सिर्फ पोजीशन मेजर कर पा रहा हूँ या फिर सिर्फ वेलोसिटी मेजर कर पा रहा हूँ एक्यूरेटली और दूसरे में एरर आ रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसका रास्ता फिक्स नहीं है। जो बोहर कह रहा था अब तक कि भाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी रास्ते पे चल रहा है एक सर्कुलर पाथ के अंदर, वो फिक्स नहीं है, ये उसका एक एरर हो गया और ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया कि हिजनबर्ग प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस फॉर डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन मोशन।
बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन ऐसे सिर्फ गोल गोल ऐसे घूम रहा है, बट ऐसा नहीं है, वो एक थ्री डी स्फेरिकल शेप में घूम रहा है और वो ऐसे कहीं पर भी जहां उनका मन करेगा वहां पर चला जाएगा। इस वजह से उसकी पोजिशन और वेलोसिटी को हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते एक साथ, या तो पोजिशन मेजर कर सकता हूँ एग्जैक्टली तो उसकी वेलोसिटी में एरर आ जाएगा, और अगर वेलोसिटी मेजर करूंगा एग्जैक्टली तो उसके पोजिशन के अंदर एरर आ जाएगा। दिस इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये आया बोहर की थ्योरी में एक एरर। दूसरा एरर बोहर की थ्योरी में जो ये आया ड्रॉबैक जो उसका था कि वो सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए थी, जो जितने भी बड़े एटम्स आ रहे हैं उन सब के लिए वो थ्योरी वैलिड नहीं है, वहां पर वो एरर आ जाता है। इसके अगली चीज आती है क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर जब क्वांटम थ्योरी आई, तो क्वांटम थ्योरी के साथ साथ हम जब क्वांटम लेवल्स को पढ़ने लगे तो वहां पर क्वांटम नंबर आया। अभी तक जो हम के एलेवन शेल्स को पढ़ रहे थे जो 2D स्ट्रक्चर, अब जैसे ही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया हमें पता चलेगा भाई 3D स्ट्रक्चर होता है, तो वहां से इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटम नंबर्स आने लगे। तो सबसे पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which is represented by n, and this represents the shell, जो अपने K11 shells पढ़े थे वो। तो n की value होती है 1, 2, 3 से लेकर आगे तक, K shell, M shell, N shell, M आगे। Then आता है azimuthal quantum number which is represented by l, and this is called the subshell। l की value होती है 0 से लेकर आगे तक, 0 होता है S, this is shell या फिर orbit, and this is the orbital। अब यहाँ से हमने एक और चीज़ लेकर आए कि क्वांटम में कि एक जो शेल होता है, कि K11 जो शेल्स हमने पढ़े थे उसके भी और हिस्से होते हैं, वो होता है orbital। orbital की वैल्यू चलती है from 0 to n minus 1। तीसरा आया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज m, और ये होता है m की वैल्यू होती है माइनस l टू प्लस l, ठीक है। और आखिरी जो था वो था स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन इन फेस स्पेस, कि वो जो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर वो किस जगह पर अरेंज है। स्पिन क्वांटम नंबर s रिप्रेजेंट्स द स्पिन। तो स्पिन दो तरीके की हो सकती है, या तो वो अप स्पिन है या फिर वो डाउन स्पिन। अप स्पिन का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, डाउन स्पिन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो स्पिन की दो ही वैल्यूज होती है, या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। अप स्पिन के लिए प्लस हाफ, डाउन स्पिन के लिए माइनस हाफ। तो ये चार तरीके के क्वांटम नंबर्स होते हैं। अभी क्वांटम नंबर कैसे चलते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर ऑर्बिट वन, तो पहले ऑर्बिट में मेरे पास n की वैल्यू, ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। इसके लिए अगर मैं ऑर्बिटल देखूं, मतलब एजीमिथल क्वांटम नंबर को देखूं l, तो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 टू n माइनस 1, मतलब 0 टू 0, 0 आ गई। तो फर्स्ट 1 एंड 0, मैंने कहा s होता है, तो ये हो गया 1s ऑर्बिटल। 0s होता है, 1 होता है p ऑर्बिटल, सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं d ऑर्बिटल, थर्ड होता है f ऑर्बिटल। तो ये हो गए 1 और 0, 1s। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस l टू प्लस l, मतलब 0। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है, एक ही तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है, और प्लस माइनस हाफ, तो मतलब इसमें 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन के अंदर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन के अंदर आएगा, मतलब 1s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे अगर आप देखो, मान लो मैं 3 देखता हूँ, तो ऑर्बिट नंबर 3 के लिए जो l की वैल्यू है, l की वैल्यू 0 टू n माइनस 1, मतलब 0, 1 एंड 2। तो 3 के लिए बनता है 3 0s, 3 और 1 हो गया 3p, और 3 और 2 हो गया 3d। थर्ड ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं। अभी ऑर्बिटल्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस एल से प्लस एल, इसके लिए तो एक ही आया 1, 1 के लिए आया माइनस एल टू प्लस एल, मतलब माइनस 1, 0 एंड 1, 3, और ऐसे डी के लिए आएगा 5, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 एंड 2, माइनस एल से प्लस एल 5। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर 3 जगह और यहाँ पर 5 जगह, और एक जगह पर जब दो स्पिन है तो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
ठीक। तो मतलब एस ऑर्बिट में, एस ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और डी में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और ये सबके लिए वैलिड होता है। अब जब हमें पता चला कि भाई ऐसे ऐसे ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो ऑर्बिटल को और स्टडी किया गया और वहां से ऑर्बिटल के आए शेप। शेप के अंदर जो सबसे पहला ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल तो आया हमारे पास स्फेरिकल, दूसरा है पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का शेप आया डंबल, और तीसरा इज डी ऑर्बिटल जिसका हमें शेप पढ़ना है विच इज डबल डंबल। अब ये स्फेरिकल है तो ये सिर्फ स्फेयर हो गया सेंटर्ड एट ओरिजिन, डंबल ये तीनों एक्सिस के अंदर होता है तो पी एक्स पी वाई एंड पी जेड तीन हिस्से होते हैं इसके, ये तो एक ही जगह होता है, ये तीन जगह होता है पी एक्स वाई जेड, और डबल डंबल ये 5 जगह होता है तो डी एक्स वाई, दो डंबल है तो 2 एक्सिस पर बनेंगे एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड या फिर जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। और इसके अंदर एक चीज आती है नोड, नोड आर वो सर्फेसेस जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैं एक कंसीडर करूं एस ऑर्बिटल, तो एस में ये मेरे पास 1s हो गया ऑर्बिटल और ये मेरे पास 2s ऑर्बिटल है, ठीक है, तो ये मेरे पास 2 ऑर्बिटल आ गए 1s एंड 2s ऑर्बिटल। इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स को मैं फिल करूं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी वो सेंटर पे बहुत कम होती है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत फिलिंग इसकी बढ़ती चली जाएगी, इस वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन कंफर्म ज़्यादा प्रेजेंट होंगे इस जगह पर। जैसे ही मैं सरफेस तक पहुँचूंगा, सरफेस पर पहुँचते पहुँचते यहाँ पर अगेन जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी और फिर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी इस वाले पूरे हिस्से में। यहाँ पर कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन मेरे को कम मिले, इलेक्ट्रॉन मेरे को इस वाले हिस्से में यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन बहुत कम थे, एंड अगेन जैसे मैं इसकी सरफेस के पास पहुंचूंगा तो यहाँ पर इस जगह पर इलेक्ट्रॉन हमें बहुत कम मिलते हैं। तो वो जगह जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे उसको कहते हैं नोड, एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज एन माइनस वन। फर्स्ट के अंदर डाला तो 1-1 0, हमें एक भी नोडल सर्फेस नहीं मिलेगी, इसे मैंने अंदर को कैलकुलेट ही नहीं किया बिकॉज वो तो सेंटर है, वो तो न्यूक्लियस की जगह होती है। आगे इसके अंदर L एंगुलर नोड्स होते हैं और R N माइनस L माइनस 1 रेडियल नोड्स होते हैं, इसको मेन याद रखना है, N माइनस 1 आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे 2 में डाला 2 में एक नोड आएगी, तो सिर्फ ये वाला, क्योंकि बाहर वाला एरिया कंसीडर होगा जब हम 3s को लेकर आएंगे, तो 2 और 1 में सिर्फ एक नोड आई ये वाली, दीज आर नोड्स। एक और चीज इसके अंदर आती है वो आता है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स इज लाइक आधार कार्ड ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हर एक चीज जो भी हम पढ़ रहे हैं हर एक को एक वेव फंक्शन असाइन होता है। जैसे आपके पास एक आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में आपकी डिटेल है सारी, आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, वही आपके सारे बैंक अकाउंट से लिंक है, वही आपके सारे और डॉक्यूमेंट से लिंक है, ऐसे ही वेव फंक्शन होता है। तो वेव फंक्शन एक पार्टिकल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, तो हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव फंक्शन इसीलिए असाइन किया गया है कि अगर मेरे को किसी भी पार्टिकल को स्टडी करना है तो मेरे को उसको इंडिविजुअली अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ना पढ़नी पड़े, सिर्फ उसका वेव फंक्शन पढ़े और उससे हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो यहां पर हम वेव फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट, और ये इससे आता है, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मॉड ऑफ साई स्क्वायर, इस सिंबल का नाम होता है पी एस आई साई, तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो हमें बताता है कि किसी भी जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं नोड्स की बात करूं तो एट नोड्स या नोडल सरफेस उस जगह पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अप्रोचेज 0, एग्जैक्टली 0 हमें कहीं पर भी नहीं मिलता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, वो हर बार मूव करते रहते हैं, बट इट अप्रोचेस 0 एट द नोडल सरफेस। इससे रिलेटेड सिर्फ एक ही चीज आपको पढ़नी है, व्हिच इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। देन
अब फाइनल चीज इसके अंदर कि अब हमें सारी चीज पता चली, हमने क्वांटम थ्योरी पहले इलेक्ट्रॉन मॉडल्स पढ़े के, हम एटॉमिक मॉडल्स पढ़े थोड़े थोड़े आते गए, उन मॉडल्स के बाद फिर हम वो थ्योरी हटाई क्लासिकल थ्योरी, फिर क्वांटम थ्योरी आ गई। क्वांटम थ्योरी के बाद अब हमने देखा कि भाई क्वांटम नंबर्स भी होते हैं ऐसे ऐसे। तो अभी तक हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 2818 वाली, उसको छोड़कर अब दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे कि ऑर्बिटल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे बनना है। तो वो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ प्रिंसिपल आए थे, तो उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है ऑफ वो प्रिंसिपल, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, और जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है वो हमें मिलती है n प्लस l वैल्यू से, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमिथल क्वांटम नंबर, वो जो इसकी वैल्यू आती है उससे हमें किसी भी एक ऑर्बिटल की एनर्जी मिलती है। जैसे 1s के लिए हो गया 0, 1 प्लस 0 तो वो बन आया, 2s के लिए 2 प्लस 0 वो 2 आया, तो 2s की एनर्जी ज़्यादा हो गई। तो इसी के हिसाब से अगर आप फिल करो तो ये ऐसे फिल होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f ऐसे ही, 5s 5p 5d 5f। तो फिलिंग कैसे होती है इसकी? फिलिंग होती है, आपको जो याद रखना है वो डायगनल है, कि सबसे पहले 1s आया, 1s के बाद घूम के आओ आगे एंड देन 2s, फिर घूम के आगे आओ देन 2p 3s, अगेन वापसी 3p 4s, फिर ऊपर 3d 4p 5s, अरे पहुंचे नहीं पूरा यहाँ तक, एक सेकंड, यहाँ पर 3d 4p 5s, और 5s के बाद फिर से वापसी ऊपर जाए तो फिर आएंगे हम 4f 4d 5p और एक सेकेंड, ओके 4d आएगा, सॉरी 4d 5p, और यहाँ पर नीचे चला जाएगा 6s पे, ऐसी फिलिंग होती है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो 1s में जाएगा, उससे ज़्यादा एनर्जी है 2s की, उससे ज़्यादा एनर्जी है 2p की, फिर आया 3s, फिर आया 3p, 3p के बाद आया 4s, फिर आया 3d, 4s 3d, ये मेन जो आपको 11 तक का चाहिए होता है। इसके आगे 3d के बाद भरो बढ़ो तो 3d के बाद आता है 4p, 4p के बाद आया 5s, 5s के बाद हम वापसी पहुंचे 4 पे तो 4d, फिर आया 5p एंड देन 6s। ऐसे कर करके ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, और इस ऑर्डर में ही हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है। सेकंड इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड देन आता है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मैंने 4 क्वांटम नंबर पढ़ाया अभी आपको, तो पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा इज एजीमिथल क्वांटम नंबर, तीसरा इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े अभी, तो इन चारों के लिए पॉली ने प्रिंसिपल दिया था कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, दो एटम में तो हो ही सकते हैं ऑब्वियसली, बट एक एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके लिए चारों सेम हो, मतलब एन एल एम और एस, ये चारों वैल्यूज किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं बात करूं, दो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास शुरुआत वाले, यहाँ पर ये 1s ऑर्बिटल है और ये 2s ऑर्बिटल है, इसमें फॉर द फर्स्ट केस इसमें मेरे पास n है 1, l है 0, इसमें n है 2, l है 0, l की वैल्यू सेम है बट n की वैल्यू अलग हो गई। इसी केस के लिए देखो तो यहाँ पर n की वैल्यू
इज 1, एल की वैल्यू इज 0 एंड एम की वैल्यू इज 0। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए तीनों सेम है बट स्पिन एक की प्लस हाफ है और एक की स्पिन माइनस हाफ है। इसके लिए स्पिन इज प्लस हाफ और इसके लिए स्पिन इज माइनस हाफ, स्पिन अलग हो गई। तीन सेम है तो भी चौथा अलग हो जाएगा, दोनों सेम स्पिन में नहीं जाएंगे, वो रिपेल कर जाएंगे और वो दूर दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, एक इनस्टेबिलिटी की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो इस वजह से चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम। दो एटम में तो ऑब्वियसली सेम हो सकते हैं। अगर ऐसे ही आप p ऑर्बिटल को देखो, तो अगर मैं 3p ऑर्बिटल की बात करूं तो इस केस में यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन्स ये वाले भर देता हूं। इस केस में n हो गया 3 और l की वैल्यू हो गई 1, ये तो दोनों सेम है। बट यहां पर m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, यहां पर m की वैल्यू हो गई 0, यहां पर m की वैल्यू हो गई प्लस 1। तीनों में m की वैल्यू अलग हो गई एंड देन स्पिन देखो तो इसकी हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ। अगर मैं इसको और इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करूं तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए m n और इसकी l की वैल्यू और स्पिन की वैल्यू तीनों सेम है बट m की वैल्यू अलग हो गई, इसकी माइनस 1 है और इसकी 0 है। तो तीन सेम हो सकते हैं, चौथा कभी सेम नहीं मिलेगा फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम। तो नेक्स्ट इज हैंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो वो कहता है कि जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एक करके होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पर 3p ऑर्बिटल को कंसीडर करूँ तो 3p में अगर मान लो मेरे को 3p5 कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास कि 3p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो उसमें क्या होगा, मैं ऐसे नहीं भरूंगा कि 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। अकॉर्डिंग टू हंस रूल के पहले जितने भी पेयर है मेरे पास या जितने भी खाली जगह है मेरे पास, इन सबको पहले एक एक करके भरना है। कि पेयरिंग जब चालू होती है जब ईच लेवल इन द सब शेल इज सिंगली ऑक्यूपाइड, पहले सबको सिंगल ऑक्यूपेंसी देनी है उसके बाद पेयरिंग चालू होगी, ऐसे पेयरिंग होती है इसकी। पहले शुरुआत में नहीं, पहले एक एक करके सबको भर दो उसके बाद फिर पेयरिंग चालू करो, ऐसे पेयरिंग होती है इन ऑल द लेवल्स। और इसी के अंदर एक टर्म आती है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो अगर कोई भी ऑर्बिटल डीजनरेट है तो उसका मतलब होता है कि वो सेम एनर्जी के ऊपर है। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब वो दो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो रही है। तो यहाँ पर ये जो तीनों हैं इन तीनों की एनर्जी सेम है क्योंकि एन और एल की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये तीनों डीजनरेट है, ये भी तीनों डीजनरेट है। डी के अंदर 5 होता है तो डी के अंदर वो 5-fold डीजनरेसी आती है, इसके अंदर 3-fold डीजनरेसी है। मतलब जो तीन हिस्से हैं इसके इस ऑर्बिटल के वो तीनों सेम एनर्जी पे आते हैं। लास्टली स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी को कंसिडर करते हुए हमारे पास दो ऑर्बिटल होते हैं, एक हाफ फिल्ड एंड एक फुल फिल्ड ऑर्बिटल, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। फुल फिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड उसके बाद स्टेबिलिटी पे आता है। मतलब 1s1 is stable, 1s2 is stable। ऐसे ही 3p3 काफी स्टेबल है, 3p6 काफी स्टेबल है, 4-5 उतना स्टेबल नहीं है, 3 ज्यादा स्टेबल, 6 ज्यादा स्टेबल। ऐसे ही अगर d पे आओ तो 4d5 is stable, 4d10 is stable। ये स्टेबिलिटी को कंसीडर करते हुए, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्लास 11th के अंदर दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को दी जाती थी, कॉपर और क्रोमियम की। कॉपर का एटॉमिक नंबर इज 29 एंड क्रोमियम का एटॉमिक नंबर इज 24। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे इसकी 29 के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक भर गए, देन आता है 3s2 एंड देन 3p6, यहाँ तक हो गए हमारे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आ गया आर्गन। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो क्या था, ऑफ वो प्रिंसिपल के हिसाब से 3p के बाद 4s और 3d। तो अब 4s और 3d, तो इसके आगे भरना है हमें 4s और 3d। हिसाब से देखो तो 18 के बाद 2 यहाँ पर, 20 और 9 यहाँ पर आने चाहिए, तो 9 ये बन गए। बट स्टेबिलिटी को कंसीडर करते हुए क्या होता है कि ये एक s ऑर्बिटल इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये बन जाता है 4s1 and 3d10। ये हाफ फील्ड हो गए, फुल फील्ड हो गए, दोनों स्टेबिलिटी में आ गए। इस वजह से इसकी कन्फिग्रेशन ये नहीं होती, ये होती है।
जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उसमें जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी और इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है वो लिख दो, वो इसीलिए होता है। एंड देन कॉपर 24 अगेन आर्गन तक तो 18 हो ही गए हमारे यहाँ तक, इसके आगे बढ़े तो 4s 18 और 2 20 एंड देन 3d 4 अगेन ड्यू टू स्टेबिलिटी ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये आ जाता है 4s1 और 3d5 पे। 4s1 ये भी हाफ फिल्ड और ये भी हाफ फिल्ड, दोनों हाफ फिल्ड हो गए तो ये स्टेबल हो गया और यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हो गई और यहाँ पर चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है इसका। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको सारी चीज़ें बेहद अच्छे से समझ आई होंगी, एंड इफ ऐसा है तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि इस सीरीज में आने वाले आगे सभी चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग वेल। थैंक यू, जय हिंद।